हेलो एवरीवन, एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसके लिए बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारा टेलीग्राम पे जो ग्रुप है प्लस अदर ग्रुप्स है, उसमें देख रहा हूँ मैं डिस्कशंस कि हर एक स्टूडेंट है ना, अब एक ही सवाल पूछता है, क्या फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड एक्चुअल MNCET लॉ 3 या तो 5 ईयर्स का पास्ट पेपर, ये हमको कहाँ से मिलेगा। काफी सारे हम लोग को भी लोग पर्सनली मैसेज करते हैं, जैसे मुझे काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, दशांक सर को काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा पास्ट पेपर्स, 2023, 2022, ये सब पेपर्स कहाँ से एक्चुअल में मिलेंगे। अब ये सब भी ग्रुप पे भी क्या होता है, जो आप काफी सारे टेलीग्राम पे ग्रुप्स है, वहां पे है ना कोई भी पर्सन ऐसा रैंडमली एक लिंक डालेगा और बोलेगा कि भाई यहाँ पे लिंक है, इस पे क्लिक करो, आपको पास्ट ईयर पेपर्स यहाँ से मिल जाएंगे। फिर स्टूडेंट उसके पीछे भागता है, वहां पे भी उसको मिलेगा नहीं और वो कोई उनके ही कोई प्रमोशनल पेज पे पहुंच जाएगा। बराबर, ये सब चीज आजकल बहुत चल रही है। तो मैं आज आपको एक्चुअल में बताता हूं कि कहां से आपको MNCET लॉ का पास्ट पेपर एग्जैक्टली मिलेगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो पूरा देखना, सबको अच्छे से समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहली चीज, आज मार्केट में ना काफी सारी बुक्स है, काफी सारे पब्लिकेशंस है जो बहुत फेमस पब्लिकेशंस है, आई वोंट से नेम, वो लोग है ना बुक जब पब्लिश करते हैं ना मार्केट में लेके आते हैं ना, वो लोग ही बुक में लिखते हैं कि ये पास्ट ईयर पेपर है। बराबर, तो अभी 2024 का जो बुक रिलीज होगा ना मार्केट के अंदर, वो लोग ही बुक के अंदर लिखेंगे कि ये पास्ट 2023 का पेपर है। और स्टूडेंट है ना सोचता है यार सही है, पेपर मिल गया, चलो अच्छा है, एटलीस्ट एक एनालिसिस के लिए, एक स्टडी पैटर्न, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कितना टफनेस लेवल है, प्लस करंट अफेयर्स कौन से लेवल तक ये लोग पूछते हैं, ये सब चीजें एक एनालिसिस के लिए समझ में आती है। और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है, स्टूडेंट उस चीज के लिए भागेगा, आई नो दैट वेरी वेल। ठीक है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि आपको पास्ट ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेगा। सो उसका आंसर ये है कि आपको पास्ट ईयर पेपर कहीं से भी नहीं मिलेगा, आप कितना भी ढूंढ लो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, ये सब लोग जो बोल रही है, ये क्लेम कर रही है, ये सब है क्या? MNCET की जो ऑफिशियल वेबसाइट MNCET सेल की, क्या वहां पे पेपर मिलेगा? देखो, हम लोग है ना इस फील्ड में काफी टाइम से है, हम लोग ये सब चीजें बहुत ढूंढते हैं कि कहीं से पास पेपर मिल जाता है, कोई जेन्युइन सोर्स हमको दे दे, या ऑफिशियल जो MNCET सेल की वेबसाइट से वहां से कोई लिंक है क्या हमको मिल जाए, हमने बहुत ढूंढा है, हमको कहीं नहीं मिला है। तो एक चीज तो कंफर्म है, हमने काफी लोगों से कंफर्मेशन भी किया है, एक चीज तो पता चल गई कि MNCET लॉ पास्ट ईयर पेपर्स कभी रिलीज नहीं होते। आप जब एग्जाम दोगे ना, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे पेपर सबमिट हो जाएगा, गया पेपर आपका, डाउनलोड ऑप्शंस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब यही चीज है ना क्लैट में भी होती है, समझो। तो क्लैट क्या करता है, क्लैट क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है, उसकी आंसर की रिलीज करता है, वो खुद करते वो लोग, MNCET सेल ये चीज नहीं करता है, वो उनके अपने कुछ फंडे होंगे, लॉजिक होगा, नहीं कर रहे वो लोग। ठीक है, तो ये सब जो बोल रहे हैं, जो काफी सारे पब्लिकेशंस बोलते हैं कि ये पास्ट ईयर का पेपर है, वो है क्या फिर? देखो, वो क्या है, वो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, एक टेंटेटिव क्वेश्चन पेपर है कि ऐसा पूछा गया था, टेंटेटिव, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन तो है ही नहीं। प्लस कुछ क्वेश्चन मैं ऐसा बोलूंगा कि शायद वो लोग को मिल जाते हैं, अब वो कहां से मिलता है, जैसे समझो मेरे 8-10 स्टूडेंट है, ठीक है, जो अच्छे से कांटेक्ट में है मेरे, मैं उनको एग्जाम के बाद कॉल करके पूछूंगा कि भाई क्या आया था क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन को याद है क्या, तो उसने मेरे को 2 करंट अफेयर्स बता दिए, किसी और स्टूडेंट ने 2 करंट अफेयर्स बता दिए, ऐसे है ना जमा कर करके वो लोग एक पेपर बना देते हैं और उसी को बोल देते हैं ये पास्ट ईयर पेपर है। जबकि MNCET सेल, मैं वापस बोल रहा हूँ, कहीं पेपर रिलीज नहीं करते, आपको कहीं से भी पेपर नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लो पेपर नहीं मिलेगा। तो आपको मेहनत किस चीज के लिए करनी है, प्लीज पास्ट ईयर पेपर्स ढूंढना मांगना बंद करो, नहीं मिलता है वो। करना क्या है फिर, मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे काफी सारे जगह से मिलेंगे, आप वो प्रैक्टिस करो। हमारे खुद का जो ऐप है MNCET लॉ का, जो हमारा ऐप है द लॉ अकेडमी, उस पे भी आपको 20 मॉक पेपर्स 90 रुपीज की एक नॉमिनल फीस में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये जानना है ना कि पास्ट ईयर्स में क्या पूछा था, तो एक हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी है, आप वो देख लो, हमने स्टूडेंट से जो पूछा था, तो स्टूडेंट ने हमको 20-25 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट बताए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था।
वो वीडियो आप देख लो, आपको वहां से पता चलेगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बट प्लीज ये जो पब्लिकेशंस है, आई वॉन्ट से नेम अगेन ऑब्वियसली, वो सब जो क्लेम कर रही है सब कुछ फेक है, कोई पेपर रिलीज नहीं होते। तो प्लीज कोई भी आपको बोलेगा ना ये पास्ट ईयर पेपर है, डोंट बिलीव दैट, पेपर रिलीज नहीं होता है, आई एम सेइंग इट अगेन। ठीक है, तो प्लीज इसकी मेहनत छोड़ दो, पेपर नहीं मिलेगा, मॉक पेपर्स ढूंढो सबसे बेस्ट, वो प्रैक्टिस करो। हमारे ऐप पे जैसे मैंने बोला मॉक पेपर्स है, उसमें प्रॉपर सेक्शन वाइज मॉक पेपर भी है, एक अटेम्प्ट में उन्होंने जम्बल्ड पेपर भी निकाला था, वो भी आपको मिलेगा। तो आपको सारी वेराइटीज मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बेटर है ये सब चीज में आप मत पढ़ना, अननेसेसरी और वेस्टिंग योर टाइम, सो डोंट डू दैट। ठीक है, चलो तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।